जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज बात करेंगे एक नई नोटिफिकेशन की जो कि रिक्वायरमेंट आई है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के तहत। नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर होने वाली ये भर्ती है जिसकी लास्ट डेट जो है वो 20/7/2022 रहेगी। सो आप भी हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि आपकी शिमला में स्थित है, इसने 17/6/2022 को जो है वो एक नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, जो कि है आपकी www.hpnlu.ac.in। 27/6/2022 से इस फॉर्म को आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है आपकी 20 जुलाई 2022 शाम को 5 बजे तक। टोटल जो है वो 17 पोस्टें हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तहत निकाली गई हैं, जिसमें जो सबसे पहली पोस्ट रहेगी वो है आपकी रिसर्च एसोसिएट की, एक पोस्ट है इसके लिए। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तहत जो है वो आपके पास लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करते हैं तो 40,000 इसकी पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट रहेगी वो है आपकी हॉस्टल वार्डन की, जिसमें टोटल 2 पोस्टें रहेंगी, एक मेल के लिए है और दूसरी फीमेल के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपके पास एमएससी एमए एमकॉम की डिग्री होना ज़रूरी है, और आपके पास जो है वो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना काफ़ी ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। और प्रेफरेंस जो है वो उनको दी जाएगी जिन्होंने डिग्री इन लॉ जो है वो किया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए निकाली गई हैं, जिसमें 15 पोस्टें आपके लिए निकाली गई हैं। जनरल की टोटल 8 पोस्टें रहेंगी, एससी के लिए 3 पोस्टें, ओबीसी के लिए 3 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 1 पोस्ट जो है वो एचपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तहत जो है वो निकाली गई है। तो इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इनके पास जो है वो 10th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, 10th पास इनकी होनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबल जो है वो किया जाएगा एक्स सर्विस मैन को, उन्हीं के लिए ये बेसिकली पोस्ट जो है वो निकाली गई है। और मिनिमम एज जो है इनकी वो 18 से 45 साल के बीच जो है वो इनकी एज होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट की सभी पोस्टों के लिए, तो 18 से 45 साल के बीच एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जर्नल के लिए 1200 रुपये जो है वो रखी गई है, और अदर कैटेगरीज़ के लिए चाहे वो आपका एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या फिर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 600 रुपया। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 20/7/2022। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप एक बार लाइक करें। मिलेंगे जल्दी ही नई एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।